अब होते सब होते। नानक कबीर और रैदास के अनन्य भक्त हैं, जीते हैं रैदास के साथ। पन पर क्यों है, क्या कारण है, क्या इन दारू माफियाओं से सत्ता और वोट के सियासत का गहरा रिश्ता है, विपक्ष को पार्टी चलाने के लिए गहरा रिश्ता है, और क्या अब नीतीश कुमार चाह के भी दारू ओपन कर सकते हैं? ये दारू माफिया नीतीश कुमार को अब दारू ओपन करने नहीं देगा, और मुझे लगता है कि यह सरकार की पूरी पॉलिसी दारू माफिया पर आधारित है। दारू माफिया नहीं चाहता है कि दारू अब ओपन हो, टैक्स के साथ ओपन हो, क्योंकि पूरा इनकम पुलिस को, नेता को, पदाधिकारी को सबसे ज़्यादा सोर्स दारू से आ रहा है, इसलिए सरकार उधर देखने को तैयार नहीं है। नीतीश जी, या तो आप 6 महीने के अंदर डेडलाइन लें, एक बूंद दारू नहीं मिलेगा मिला तो पूरी सरकार आप इस्तीफा दें, या तो आप टैक्स के साथ बड़े शहरों में दारू का दुकान 5 से ज़्यादा ना खोलें, या तो आप पूरा बूंद दारू बंद कर दें, या तो आप निर्णय लें कि SP कलेक्टर पर केस नहीं होगा, सरकार भी इस्तीफा देगी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, या नहीं तो आप टैक्स के साथ दारू को ओपन शहरों में करें। ये मेरा आग्रह है। आप जिद पर अड़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दारू के चलते अपराधी माफिया नेताओं का घर मत भरिए, और दलित और गरीब और कमजोर तबके के लोगों को दारू परोस के आप मारने की तैयारी ना करें।